बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स क्यों होता है ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब आगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, करंट कैन लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। हालांकि हम लोग समझ चुके हैं कि वो डायपोल जैसा बिहेव करेगा, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ हमें दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर तुम्हें याद हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा था, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इसका डायपोल मोमेंट है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो डायपोल के एक्सियल पोजिशन में और इक्वेटोरियल पोजिशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के इंटू टू पी बाय आर क्यूब, ऐसे आता था। आर का मतलब है ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस, वो आर था। इधर भी अगर ये डिस्टेंस आर होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता के पी बाय आर क्यूब, यानी इस वाले फील्ड का आधा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक डायपोल की हम बात करें, ये मान लो हमारा मैग्नेटिक डायपोल है, वैसे ही बना सकते हैं बार मैग्नेट जैसा, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, ठीक है। उल्टा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो साउथ है जैसे यहाँ दिखता है ना नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, वैसे ही इसमें मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, तो हम नॉर्थ को प्लस की तरफ लिख देते हैं और साउथ को इधर लिख देते हैं, तो ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ और ये बार मैग्नेट का सेंटर हुआ, एक्सियल पोजिशन ये रही। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखें और इक्वेटोरियल पोजिशन पर मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो इनको देख करके सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। बस क्या डिफरेंस होता है, यहाँ जो के है वो है 1/4 pi epsilon naught 2p/r³। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग बायो सावर्ट लॉ से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ जो कॉन्स्टेंट है वो μ0/4π है, ठीक है। यहाँ पे था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सिमिलर एक्सप्रेशन होगा, सेम नहीं सिमिलर, सेम और सिमिलर अलग अलग बात होती है। यहाँ पर अगर बी लिखोगे तो वो ऐसे लिख सकते हैं μ0/4π और इधर n/r³, 4π तो है, 4π सुन के अच्छा लग गया, हाँ चलो आराम करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन को देखकर हम लिख सकते हैं, बट कुछ बुक्स में इसको डिराइव भी किया गया है, इसको भी डिराइव किया गया। कैसे डिराइव किया गया, जैसे यहाँ करते थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते थे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया कितना है, नेगेटिव चार्ज की वजह से देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। यहाँ भी ऐसे ही करते थे, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऐसे आएगा अवे डायरेक्शन में, नेगेटिव का टूवर्ड डायरेक्शन में, फिर ऐसे पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट निकाल दिया, ऐसे किया था। तो कुछ बुक्स में स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बुक्स में उन्होंने ऐसे ही किया, पहले नॉर्थ पोल को क्या बोल दिया, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, इसको बोल दिया नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, और बिल्कुल सिमिलर मैथमेटिकल टेक्निक यूज करके कैलकुलेट कर दिया, रिजल्ट सही आ गया। बट वो है गलत, कॉन्सेप्चुअली 100% से भी ज़्यादा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये जो तरीका है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कि प्लस के लिए अलग लिखा माइनस के लिए अलग लिखा, ये यहाँ पर सही है बट यहाँ गलत है। रीज़न ये है कि मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोनोपोल होता है, यहाँ पर सिंगल चार्ज पार्टिकल अलग अलग रह सकते हैं, बट मैग्नेटिज्म में नॉर्थ और साउथ कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, नेचर में नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे, ये बार मैग्नेट है, इसको तुमने यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, तो तुमने सोचा कि हमने नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर दिया, बट फिर से नॉर्थ और साउथ यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है, और छोटा कर दिया। कितना छोटा करोगे, पाउडर बना दोगे, मैग्नेट को ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना दिया। अब हर एक पार्टिकल जो होगा पाउडर का उसमें भी नॉर्थ और साउथ होंगे, और छोटा कर सकते हैं क्या, और छोटा करके पाउडर को भी छोटा कर दिया, एटॉमिक लेवल तक कर दिया। तो अभी हमने देखा है एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, वो एक करंट लूप के जैसा था, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ हमें उसमें भी दिखेगा, और छोटा कर दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया एटम से बाहर, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
मिलेगा, यानी एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ को अलग अलग करने वाली ताकत आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुई। नॉर्थ और साउथ अलग अलग कभी नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए ये वाली जो कैलकुलेशन है कि एक एक पोल को अलग अलग लेकर सॉल्व करके बाद में रिजल्ट निकाला, दैट इज 100% रॉन्ग। जिस भी किताब में लिखा हो उस किताब का जो भी करना है कर लेना, तो उन किताब का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर तुम बोलोगे तो क्या सिर्फ इसको देख करके ही लिखना हमारी मजबूरी है, क्या ये एक्सप्रेशन डिराइव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बट उसका तरीका अलग है। उसका तरीका है करंट लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था उसी के बेसिस पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुम्हें याद होगा बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा था, तो उसमें करंट लूप ऐसे लिया था और उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था। इस लूप का रेडियस है सपोज आर, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे अगर करंट लिया इस तरफ तो ये डायरेक्शन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था? कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू, एक्स की जगह आर ले लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। स्मॉल आर क्या चीज़ है? सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आया था। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है तो इसको हम n टाइम्स भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो याद होगा, झूठ बोल रहा, याद नहीं है। ये एक्सप्रेशन याद था? नहीं याद था ना, ठीक है। तो इसको हम उस डाइपोल वाले एक्सप्रेशन तक कैसे लाएंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे और लूप्स हैं दो तीन, तो एक कॉइल बना हुआ है, कॉइल का फील्ड यहाँ पर इतना है r डिस्टेंस पर सेंटर से, बट ये वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये डाइपोल होगा, ये भी हम समझ चुके हैं। अगर ऐसे करंट जा रहा है तो इधर नॉर्थ और उस साइड से देखोगे तो साउथ, ये डाइपोल है, बट ये एक्सप्रेशन डाइपोल जैसा नहीं दिख रहा है। ये हम बोल रहे हैं कि एक्सियल पोजिशन में फील्ड इतना है, बट एक्सियल पोजिशन में आना चाहिए म्यू नॉट बाई 4π 2m बाई r क्यूब, बट यहाँ ना तो m दिख रहा है ना 4π दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट वो आ जाएगा। कैसे आएगा? इफ r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल r, यानी ये जो डिस्टेंस थी p पॉइंट की सेंटर से, ये रेडियस ऑफ कॉइल के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी हो, तो उससे क्या होगा? उससे कैपिटल r बाय स्मॉल r ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन, और इधर यहाँ पर हम कॉमन लें इसको आर को, स्मॉल आर को, तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्या जाएगा? आर क्यूब। इधर क्या हो जाएगा? 1 + r² / r² / 3/2, एंड दिस क्वान्टिटी इज मच लेस देन 1, तो 1 से बहुत छोटा है, तो 1 में ऐड करने से लगभग 1 ही रहेगा, 1 का पावर कितना भी हो 1 ही रहेगा। तो फिर क्या जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाय 2r³। आर क्यूब तो दिखने लगा, तो ही ना थोड़ी सी खुशी हुई होगी, कम से कम आर क्यूब तो दिखा, म्यू नॉट तो पहले से ही था। अब और क्या क्या हम देखना चाहते हैं? एम चाहिए हमें, मैग्नेटिक डार्क मोमेंट यहाँ चाहिए, यहाँ पे 4π चाहिए, तो 2 तो है, 2π यहाँ पे और लगानी पड़ेगी तो 4π हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, म्यू नॉट आई, और यहाँ पे हमने 2π लगा दी, ठीक है, तो 4π हो जाएगी। अब 2π यहाँ लगाई तो यहाँ भी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2π कैपिटल आर स्क्वायर और एन, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है पाई आर स्क्वायर? एरिया, किसका एरिया? ये जो यहाँ पे लूप था इसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू ए, और एन भी इसमें ले लो एन आई ए, और जो 2 था उसको यहाँ पे लिख दो, चलो यहाँ यहाँ लिख लेते हैं, और इधर क्या हो गया 4π इधर आ गई। एन आई ए क्या चीज है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंगल लूप है तो आई ए, एन लूप्स हैं तो एन आई ए, तो एम भी मिल गया, तो हो गया म्यू नॉट बाई 4π
टू एम बाई आर क्यूब आ गया, आ गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करेंट लूप आ गया म्यू नॉट बाय फोर पाई टू एम बाय आर क्यूब आ गया। देखो वैसे ही बिना साइंस को धोखा देते हुए जो उन बुक्स में दिया हुआ है, उन्होंने मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस दिखा दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन वाला भी कर सकते हैं, बट वो हमें करना नहीं है, हमारे सिलेबस के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, तो इस टॉपिक को बोलते हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल वाला एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है इसका, इजी वाला ही आता है कि एक मैग्नेट है उसका डायपोल मोमेंट इतना है, तो उसके एक्सियल पोजिशन में मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, इक्वेटोरियल पोजिशन बताओ कितना होगा। ठीक है, समझ में आई बात। और एक टर्म भी डिफाइन कर देते हैं छोटा सा है। जैसे यहाँ पर होता था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, ये होता था। बार मैग्नेट्स के लिए भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू टू एल, यहाँ क्रॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर है। तो स्मॉल एम जो है वो क्या चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, एक्चुअली वो पोल स्ट्रेंथ है, और उन किताब वालों ने क्या बोला उसको, मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो 2L क्या चीज़ होगा, समझ गए होगे, इसका लेंथ, बार मैग्नेट का लेंथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जो बार मैग्नेट होते हैं उनके एकदम एंड पे नॉर्थ पोल नहीं होता है, थोड़ा सा पीछे हटकर होता है, बट तुम्हें उतना कॉम्प्लेक्स केस एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो जो मैग्नेट की लेंथ होगी वही 2L होगी। तो एक पोल की स्ट्रेंथ क्या है वो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट डिवाइडेड बाय 2L, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है,